हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस बैकग्राउंड में बहुत सारे वीडियो बना लिए हैं, लेकिन अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। दोस्तों, अभी जून महीने का फर्स्ट वीक और हम निकल गए हैं हिमाचल की ओर। हमें जाना है हमारे होम टाउन से पहले अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से फिर शिमला, मनाली, उसके बाद चंडीगढ़ और वापस दिल्ली, और फिर अहमदाबाद से वापस घर पहुंचना है। हिमाचल के लिए मैंने बेसिकली एक पैकेज करवाया है yatra.com से। लेकिन दोस्तों, मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि आप yatra.com और मेक माई ट्रिप से जब पैकेज करवाएं, उससे पहले लोकल्स का सपोर्ट जरूर लीजिए। अगर आपके लोकल्स के ट्रैवल एजेंट से अगर आपको कोई अच्छा पैकेज मिल जाता है, तो आप पहले उसे रेफर कीजिए, और ये तब कीजिए जब आप फैमिली के साथ जा रहे हो। जब आप अकेले जाओ तब किसी भी पैकेज की कोई भी जरूरत नहीं है। आप खुद पर्सनली अलग अलग जगह के होटल्स, टिकट, ये सब बुक करवा के बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ऑनेस्टली जरूर ये रेकमेंड करूंगा कि जब आप पर्सनली अकेले जा रहे हो, तब आप मैन्युअली खुद खर्चा कीजिए, और वो आपको पैकेजेस से बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, इसलिए मैंने पैकेज हायर किया। ये पैकेज मुझे 59,000 में पड़ा, जिसमें अहमदाबाद से दिल्ली की वन वे जाने की एयर टिकट हमें 3 पैसेंजर्स की मिली। उसके बाद दिल्ली से हमें एक कार मिली विद ड्राइवर, जो हमें दिल्ली से शिमला, मनाली, वहाँ के सारे साइट सीन्स, कुल्लू और उसके बाद चंडीगढ़ से लेकर वापस दिल्ली ड्रॉप करेगा। इसके साथ ही हमें शिमला में 2 नाइट का रिजॉर्ट मिला है, मनाली में 3 नाइट्स के लिए होटल मिली है, और चंडीगढ़ में 1 नाइट के लिए एक होटल, और इन तीनों जगहों पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। और दिल्ली से मैं रिटर्न होने वाला हूँ ट्रेन में, क्योंकि फ्लाइट्स की टिकट उस वक्त बहुत ही महंगी थी। लेकिन ट्रेन में भी बहुत ही रश था, सेकंड एसी और थर्ड एसी में मुझे नहीं मिला, इसलिए फर्स्ट एसी का लेना पड़ा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक वेटिंग था। अभी आशा करता हूँ कि वापसी होते होते ये एक वेटिंग क्लियर हो जाए और टिकट कन्फर्म हो जाए। अभी हम पहुंच गए हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट, और यहाँ से मेरी सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। तो हम हैं अभी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, और हम यहाँ से जाएंगे दिल्ली बाय फ्लाइट बाय स्पाइस जेट। अभी हम कर रहे हैं फ्लाइट की वेट, और फ्लाइट पूरे 1 घंटे लेट है। फ्लाइट आफ्टर ऑल पूरे 1 घंटे लेट थी, और लगभग 1 घंटे के बाद 7 बजे से पहले हमारा बोर्डिंग शुरू हो गया। दिल्ली एयरपोर्ट पे लगभग हम 9 बजे से पहले पहुंच गए थे, और वहां पर यात्रा की अलाउड की गई एक कार हमारा वेट कर रही थी। मैंने पनीर की सब्जी गुजरात में खाई है, लेकिन ऑलमोस्ट हरियाणा, पंजाब के आसपास पनीर का मजा ही कुछ और होता है। डिलीशियस। अभी कुछ नाश्ता करने के बाद हम दिल्ली से निकल गए हैं, और हमारी नेक्स्ट मंजिल डायरेक्ट शिमला होगी। अभी ऑलमोस्ट सुबह सुबह ही दिल्ली का टेम्परेचर लगभग 42 पर पहुंच गया है, और बाहर गर्मी बहुत लगती है। दोस्तों, दिल्ली से शिमला हम मेनली 4 रूट से जा सकते हैं। एक है कि आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कालका तक जाए, और कालका से आगे आपको और एक टॉय ट्रेन मिल जाएगी जो कालका और शिमला के बीच चलती है, और जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके अलावा और एक इजी तरीका यह भी है कि आप दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टेशन से डायरेक्ट शिमला की बस पकड़ ले, और अगर आप चाहे तो दिल्ली के अलग अलग जगहों से वॉल्वो बस भी शिमला के लिए डायरेक्ट जाती है। तीसरा तरीका है दोस्तों पर्सनल व्हीकल या पर्सनल कार, जो मैंने हायर किया है। और चौथा तरीका है बाय एयर, आप दिल्ली से शिमला तक बाय एयर भी जा सकते हैं, और शिमला में हवाई अड्डा भी है। दिल्ली से लेकर कालका तक तो रोड बहुत ही अच्छा है, और अभी हम कालका तक पहुंच गए हैं, और यहाँ कालका से हिमालयन माउंटेन शुरू होते हैं। यानी दिल्ली से यहाँ तक सब सीधा और फ्लैट था, लेकिन अब शुरू होगी हमारी असली चढ़ाई, और अब शुरू होगा असली हिमाचल। दोस्तों, कालका को क्रॉस करते ही हिमाचल की खूबसूरत वादियां शुरू होती है। अब रास्ता सीधा ना रहकर ऊपर और नीचे चढ़ाई और उतराव है।
यहाँ पर फोर वे तो नहीं है लेकिन काफी अच्छा रास्ता है और गाड़ी आसानी से चलती जाती है। लगभग शाम को 4 बजने वाले हैं और मुझे लगी है थोड़ी भूख और पीनी है थोड़ी चाय, तो मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि भैया यही कहीं पर रोक दो ताकि हमें चाय नाश्ता मिल जाए। हिमाचल में वैसे तो खाने पीने लायक सब कुछ मिल जाता है और यहाँ पे भी चाय दूध नाश्ता कॉफी कुछ भी मिल जाता है, लेकिन चाय का टेस्ट थोड़ा कड़क नहीं था यहाँ पे। देखते हैं आगे कैसी मिलती है। अब दोस्तों क्योंकि हम पहाड़ी रास्तों पे है इसलिए एसी बंद कर दिया है और विंडो शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी ठंडक महसूस हो रही है, गर्मी नहीं है यहाँ पे दिल्ली जितनी। और जैसे ही हम माउंटेन्स पे पहुंचे पारा धड़ाम से नीचे गिर गया है। अभी टेम्परेचर होगा लगभग 27-28 डिग्री सेल्सियस और बीच रास्तों में ये आने वाले साइट सीन बेहद ही मनमोहक है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी हम शिमला जून के महीने में जा रहे हैं इसलिए एक्सट्रीम ठंड या फिर बर्फ तो एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि गर्मी से छुटकारा मिला है और मौसम ठंडा लग रहा है। आसपास की वादियां, पहाड़ और ये खूबसूरती अच्छी लगती है। और अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं ये रोड समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टोटल हम 2000 मीटर की ऊंचाई पर ट्रैवल कर रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है और ठंड थोड़ी थोड़ी लग रही है। अभी शाम के बजे है लगभग 6:30 और हम होटल से लगभग 16 किलोमीटर अवे हैं। बज गए हैं लगभग 7:15 और हम हमारे होटल पे पहुंच गए हैं। ये होटल थोड़ा आउटसाइड ऑफ शिमला है, यहां से शिमला लगभग 10-1 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये शिमला रीजन में ही है, इलाका शिमला ही लगता है। और होटल का नाम है तोशाली रॉयल व्यू। दोस्तों जैसे ही मैं बाहर आया गाड़ी से ठंड लिटरली महसूस होने लगी। शाम का वक्त है और यहाँ पे कहते हैं कि शाम के वक्त कभी भी गर्मियों में भी अगर आप आओ तो दोपहर को ठंडा महसूस होता है लेकिन शाम में बहुत ही ठंड लगती है। आप अगर यहाँ पे गर्मियों में भी आओ तो भी शाम और सुबह के वक्त के लिए गर्म कपड़े पहनने के लिए जरूर लाए। और अभी हमें होटल में जाना है, करना है चेक इन और कल सुबह शिमला और साइट सीन्स के लिए रेडी होना। होटल तो बहुत अच्छा मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ फैंटास्टिक व्यू।